फ्रेंड्स हम लोग सीख रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। तो फ्रेंड्स हमने लेक्चर 10 कवर कर लिए हैं, 11th लेक्चर है। और देखिए हम किलिंग के बारे में बात कर रहे थे। देखो किलिंग का जो हमारा जो वर्ड्स है सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स किलिंग जहाँ पे भी आपको कम से कम एक वर्ड तो मिलने वाला है किलिंग के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज हमने, देखो ये जो सारे वर्ड थे हमने कवर किए थे, ये जो वर्ड थे हमने कवर किए थे पिछले लेक्चर में, अब इनको देखते हैं और करीब से, ठीक है, और इनको डीपली देखते हैं, रूट वर्ड पे देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला वर्ड हमारा क्या है, फ्राटर। और फ्राटर मतलब होता है फ्रेंड्स ब्रदर, ये रूट वर्ड है। एक और रूट वर्ड देखिए, सोरोर। और फ्रेंड्स ये होता है सिस्टर। देखिए आप वर्ड को समझिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हमारा रूट वर्ड है हमारा ऑक्जोर। और फ्रेंड्स ये होता है वाइफ, यू ओ एक्स ओ आर, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, मैरिटस, एम ए आर आई टी यू एस, इट मीन्स होता है फ्रेंड्स हस्बैंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने कल डिस्कस करे थे, कल वाला से आप देख रहे जरूर, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रैटरनाइज है ना, जो फ्राटिसाइड था, ये देखो ये फ्राटिसाइड मतलब होता है कि जो अपने भाई की हत्या करता है उसे कहते हैं फ्राटिसाइड, जैसे कोई भी आदमी अपने भाई को मार दे उसे कहते हैं। और इसी का ये फ्रेंड्स वर्ब है, से है ना, ही फ्राटिसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, है ना, तो ऐसे हो जाएगा। इसका नाउन है फ्रैटर्निटी, आपने एक नॉवल पढ़ा होगा, सॉरी एक प्ले है गर्ल्स वर्दी का, फ्रैटर्निटी पढ़ा होगा आपने, अगर आप टीजीटी के स्टूडेंट होंगे तो, है ना, उसे कहते हैं भाईचारा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला वर्ड देखिए सॉरनिटी। अब ये क्या होता है, जैसे भाईचारा है जैसे वुमेन का होता है, वुमेन की जो कम्युनिटी जो उनका वो क्लब होता है उसे कहते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, है ना, जैसे हम फ्रैटर्निटी कहते हैं भाईचारा, ऐसे ही आपका जो वुमेन होती है उनका वुमेनहुड कह सकते हैं, वुमेन क्लब कह सकते हैं, जैसे वुमेन इकट्ठी होती हैं। फ्रेंड्स अगला वर्ड है हमारा ऑक्जीरियस। ये फ्रेंड्स ये जो हमारा वर्ड है ऑक्जोरिसाइड है ना, इसका मतलब तो होता है कि पत्नी की हत्या करना होता है। इसी का फ्रेंड्स ये क्या है, ये जो क्या है ऑक्जीरियस, इससे अलग है थोड़ा सा, ऐसा अलग क्यों है, देखो ये जो ऑक्जर तो हमारा जान समझ की पत्नी होता है, लेकिन इसमें लास्ट में जुड़ रहा है रियस। और फ्रेंड्स रियस का मतलब डिफरेंट होता है ना, तो ये होता है कि भाई ग्रेट फाउंडनेस ऑफ वाइफ, मतलब जो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा लव करता हो उसे कहते हैं हम ऑक्जीरियस, ठीक है, ऑक्जीरियस कह लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा हैंडपॉक्ड, एच ई एन पी ओ सी के ई डी, हैंडपॉक्ड। और फ्रेंड्स ये क्या होता है, अ टाइप ऑफ मैन होता है जो अपनी वाइफ का गुलाम होता है, टोटली गुलाम, ठीक है, ऐसे गुलाम नहीं, मतलब कि अपनी वाइफ की बात मानता हो, जो वो कहें वो करता हो, है ना, उसे कहते हैं, जो मतलब पूरी तरह से क्या हो, अपनी अपनी जो वाइफ के प्रति डिवोटेड हो, है ना, उसे कहते हैं। देखो जो ऊपर वर्ड है हमारा ऑक्जीरियस हो तो होता है डिवोटेड फॉर हिज वाइफ, देखिए जो निचला वर्ड है हमारा हैंडपॉक होता है गुलाम, बिल्कुल समझ में आ गया होगा अंतर क्या है। देखो जो ऑक्जोरियस है वो तो क्या है, ज़्यादा केयर करता है, ज़्यादा अपनी वाइफ के प्रति लविंग रहता है, और जबकि दूसरा वर्ड जो वर्ड हमारा क्या है हैंडपॉक, ये क्या होता है, ये होता है स्लेव, टोटली जो वाइफ कहती है वही मानता है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा एक्जोरियल है, इसी का एडजेक्टिव फ्रेंड्स, इसका ऑक्जोरियस का ये एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा देखिए फ्रेंड्स रेक्स, आर ई रेक्स, या कह लीजिए राजेश, दोनों रूट हैं, इनका मतलब क्या सेम है, किंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए किंग फ्रेंड्स आप लोग ना जो अगर आप लोग देख रहे हैं पूरे वीडियो को तो आप चाहें तो नोट्स बना लें और इजी रहेगा समझना। तो हम लोग कहाँ पे थे, रेगिस पे, रेक्स पे। तो फ्रेंड्स ये जो रेक्स है रेगिस है मतलब क्या होता है, इसका किंग होता है। हमने बात की थी यहाँ पर रेजिसाइड, है ना, रेजिसाइड फ्रेंड्स क्या होता है कि किसी किंग की हत्या करना, जैसे किंग चार्ल्स फर्स्ट थे, चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड कर दिया किसने, कॉमनवेल्थ के जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने, है ना, अगर आप लोग इंग्लिश टी जी टी बी जी टी के स्प्रिंट हैं या नेट के स्प्रिंट हैं आप लोग जानते होंगे, 1649, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1649 को क्या हुआ, 1649 को जो चार्ल्स फर्स्ट को
मतलब उनका जो सर था कलम कर दिया गया किसके द्वारा, क्रॉमवेल और उनके बाकी जो उनके पार्लियामेंटेरियन थे उनके द्वारा। तो फ्रेंड्स वो थी आपकी रेजिसाइड, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे रेजिसाइड क्या होता है, किंग की हत्या करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा रेगल, इसी से बना हुआ है, ये होता है रॉयल रिसेप्शन। और फ्रेंड्स रेगल्टी इसी का नाउन है ना, लाइक जैसे राजा के समान। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स रेगिलिया, और फ्रेंड्स ये होता है आपका रेगिलिया क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए रेगिलिया होता है आपका फ्रेंड्स ये होता है आपका राज चिन्ह, जैसे किसी को कोई उपहार दिया गया, कोई चिन्ह दिया गया, एम्ब्लेम कह सकते हैं, एम्ब्लेम। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा मोनोमैनिक। फ्रेंड्स ये जो मोनोमैनिक है कैसे बना है, ये बना है मोनो प्लस मैनिया से। और फ्रेंड्स जानते हैं मोनो क्या होता है, एक होता है, क्या होता है एक, और मैनिया होता है पागलपन, मेडनेस, जानते हैं आप लोग मैनिया। चाबी आपको देखो एक मैं बता दूं आपको, जहाँ भी आपको मैनिया मैनिया दिखे, चाबी आपको मैंने देखे, मान जाओ कि क्या है, कोई भी मैडनेस है, कोई भी बीमारी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैनिया जहाँ पे आपको देखे क्या है, वो होता है आपका कोई भी मैडनेस या कोई बीमारी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये होता है जो एक चीज़ कोई के प्रति पागल हो उसे कहते हैं मोनोमैनिक। और अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा जो वर्ड है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, देखिए जो मोनोमैनिक तो हमने समझ लिया कि है ना, जो एक चीज़ के प्रति ज़्यादा वो हो पागल हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स मोनोमैनिया, इसका नाउन है मोनोमैनिक का। और नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा डिसोमनिया, डिसोमनिया। अब देखो फ्रेंड्स जो डिस्पा है इसका रूट वर्ड, उसका मतलब होता है थर्स्ट, है ना, और ये मैनिया होता है पागलपन, है ना, प्यास के लिए पागलपन। अब देखो प्यास के लिए पागलपन क्या होता है कि फ्रेंड्स पानी के लिए कोई पागलपन होता नहीं है, पानी तो लोग नॉर्मल पीते हैं, जो पागलपन क्या होता है ड्रिंकिंग के लिए होता है पागलपन, लोग बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि चाहिए चाहिए, है ना, तो वो होता है आपका द्वारा देखिए फ्रेंड्स डिसोमनिया, ये होता है शराब की लत, वाइन की लत। फ्रेंड्स अगला वर्ड हमारा क्या है, देखिए ये जो वर्ड है बहुत अब समझिए गौर से, ये जो वर्ड कई बार आ चुका है एग्जाम में, क्लेप्टोमैनिया। 2016 के जो TET के पेपर में ये जो वर्ड आया हुआ है क्लेप्टोमैनिया, और ये वर्ड किस बहुतों के लिए तो बहुत टफ है और किसी के लिए इजी भी है, जिसने 12th क्लास में जो विस्टाज बुक पढ़ रखी है या पढ़ा रखी है उसको ये वर्ड आता होगा क्लेप्टोमैनिया। उसमें जो हमारा इवांस होता है उसे बीमारी होती है, यही बीमारी सेम क्या होता है क्लेप्टोमैनिक होती है, उसे क्या होती है फ्रेंड्स ये क्लेप्टी मतलब एक वर्ड है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है थेप्ट, चोरी करना। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ गया क्लेप्टी जो वर्ड है KLEPT क्लेप्टी, और इसका मतलब होता है चोरी करना, और मैं नहीं जानता हम लोग पागलपन है बीमारी, तो जिसको चोरी करने की बीमारी हो उसे कहते हैं फ्रेंड्स क्लेप्टोमैनिया, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी का हमारा एडजेक्टिव है क्लेप्टोमैनिक, ठीक है, और ये नाउन भी है फ्रेंड्स, क्लेप्टोमैनिक नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो इस वर्ड को ढंग से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये सही रहेगा आपके लिए। आप रूट वर्ड को नोट कर लीजिए, समझिए और उन पे वर्ड बनाइए, और नए वर्ड भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा, देखो नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स हमारा क्या है, पायरोमैनिया है। और फ्रेंड्स पायरोमैनिया जानते हैं आप लोग क्या होता है, पायरो होता है फायर, है ना, समझ में आ गया, जो फायर के रिगार्डिंग जो वो जो भी समस्या है उसे के पायरोमैनिया कहते हैं। और फ्रेंड्स अगला वर्ड देखिए इंसेंडियरिज्म, और ये होता है फ्रेंड्स ये भी फायर के बारे में होता है, बट ये होता है फॉर रिवेंज, मतलब किसी से बदला लेने के लिए, है ना, जलना, मतलब बदले की आग में जलना उसे कहते हैं। और फ्रेंड्स जो अगला वर्ड देखिए आर्सोन है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है फायर या फिर फॉर मनी, मनी भी एक टाइप का फायर के रूप में काम करती है, गुस्सा एक टाइप से, किसी के पास पैसा है तुम्हारा दे नहीं रहा है तो, है ना, तो आर्सोन क्या होता है फ्रेंड्स, फायर होता है। फ्रेंड्स रूट वर्ड देखते हैं कुछ, पायरोज हमारा जो रूट वर्ड है इसका मतलब फायर होता है। और फ्रेंड्स अगला जो हमारा रूट वर्ड है इनसेंडो, और इसका मतलब होता है सेट फायर। देखो इनसेंडो है, इनकेंडो कह लीजिए, इनसेंडो ही है, क्योंकि जहाँ पर सी के बाद आई या ई आ जाए तो वो सा बोलता है, मोस्टली सी का जो प्रोनाउंस है हमारा, सी के बाद अगर ई आ जाता तो वो मोस्टली सा बोलता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो जो आर्सन है वो होता है जलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, मेगालोमेनिया है ना फ्रेंड्स। तो जो लोमेनिया है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये होता है, ये बना हुआ है मैगस से फ्रेंड्स। मैगस फ्रेंड क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हमने मैगलोमेनिया समझ लिया, ग्रेट होता है ना। और अगला वर्ड देखिए निम्फोमेनिया फ्रेंड्स। निम्फो क्या होता है, निम्फो जो वर्ड हमारा निम्फी से बना हुआ है, और निम्फी होता है फ्रेंड्स ब्राइड, और मैनिया जानते हैं आप लोग पागलपन है, बीमारी। जो आदमी ब्राइड के प्रति, ब्राइड के लिए पागलपन रखता है उसे कहते हैं निम्फोमेनिया। और वी कैन से फ्रेंड्स लस्ट्रस है ना, लिबिडो LIBIDO लिबिडो भी एक मतलब सेम मतलब रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा जो इसी से बना हुआ है, इसी रूट बना हुआ मैंने से, सेटायरोमेनिया फ्रेंड्स। जो सेटायर है SATYR, इसका मतलब होता है मेल है ना, ये फीमेल के लिए यूज हुआ है, जो वोमेन मैन के लिए पागल हो उसे कहते हैं। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा, इजी वर्ड है, इसे तो बड़ा वर्ड है लेकिन इजी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला वर्ड देखिए हमारा क्लॉस्ट्रोफोबिया फ्रेंड। देखिए क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, ये बना हुआ है क्लॉस्ट्रम से। और फ्रेंड्स जो क्लॉस्ट्रम जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनक्लोज प्लेस्ड, और फोबिया होता है फियर, जिसको ना जो प्लेस का, जो बंद प्लेस का फियर है उसे कहते हैं। जैसे मान लो कोई बंद है, कॉन्फाइंड कह लीजिए, सेल्फ कॉन्फाइंड है ना, कॉन्फाइंड कह लीजिए, जो अकेला बंद है उसे कहते हैं फ्रेंड्स क्लॉस्ट्रोफोबिया। वर्ड देख लीजिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्लॉस्ट्रोफोब, इसका ही हमारा नाउन है ना फ्रेंड्स, ये फियर होता है, जो अकेलेपन का फियर होता है। और इसी का उल्टा वर्ड हमारा क्या है, एगोरोफोबिक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे अकेलापन है, यहाँ पे क्या है मार्केट पैलेस से डर लगना होता है। देखो दोबारा देखिए इसको, AGOROPHOBIA एगोरोफोबिया फ्रेंड्स। ये क्या होता है, फियर ऑफ मार्केट पैलेस, मतलब जैसे हमने ये समझा वर्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया है हमारा, ये क्या है, अकेलेपन का डर हो गया फ्रेंड्स। जो ये जो वर्ड है एगोरोफोबिया है, ये होता है लोगों को देख कर डरना है ना, भीड़ को देख कर डरना। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा एक्रोफोबिया है, और ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये बना है एक्रोस से, इसका मतलब होता है हाइट, और जो आदमी हाइट से डरता है उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। जैसे मान लो किसी को हमने माउंटेन पे चढ़ा दिया किसी रेंज पे, और उस पर जाके वो देख कर डर रहा है। जैसे नॉर्मल सी बात ले लीजिए, कोई टंकी है देहात में या कहीं पे भी, उस पर चढ़ गया कोई आदमी, और फिर डर रहा है, देख के डर रहा है कि कितना ऊंचा आ गया मैं, है ना, उसे कहते हैं एक्रोफोबिया, जो हाइट को देख कर डरता है। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए आइकोनोक्लास्ट, इजी वर्ड है, और आप जानते हैं ये क्या होता है, रिलीजियस इमेज ब्रेकर, ये जो आदमी है जो धार्मिक जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ता है उसे कहते हैं, और इसको हम एक और वर्ड देते हैं हिंदी में, मूर्ति भंजक है ना। वो इतना मैटर नहीं करता हिंदी में लर्न करना, आप मतलब समझिए, द पर्सन हु ब्रेक्स द रिलीजियस आइडल्स और स्टैच्यूज उसे कहते हैं फ्रेंड्स आइकोनोक्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा एग्नोस्टिक है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है संयमवादी, जो संयम रखता है, और इससे बना हुआ हमारा वर्ड है, ये क्या है, एग्नोटिसिज्म फ्रेंड्स, इसका नाउन है। अब देखिए जो हमारा जो एग्नोस्टिक है, ये देखिए जो एग्नोस्टिक जो वर्ड है हमारा कैसे बना है फ्रेंड्स, ए तो आपका होता है ठीक है, ए प्लस नोस्टस से बना हुआ है, ये जी साइलेंट के लीजिए, नोस्टस से बना हुआ है, इसका मतलब होता है नो वन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे अगला वर्ड देखिए हमारा डायग्नोसिस, आप जानते हैं जी वर्ड सुन रखा होगा अपने, डायग्नोसिस आप जानते हैं, ये बना हुआ फ्रेंड्स डाया प्लस नोसिस से। और फ्रेंड्स जो हमारा डाया होता है, डाया कह लीजिए, DIA डाया कह लीजिए, जैसे वाया डाया, इसका मतलब होता है थ्रू से होकर। और फ्रेंड्स ये जो वर्ड दूसरा हमारा जो नोसिस वर्ड है, इसका मतलब होता है नो वन है ना। तो फ्रेंड्स ये हो गया निदान, मतलब नोविंग थ्रू।
अगर कोई समस्या है, एक समस्या, जिस समस्या को जानने के लिए ये टेस्ट, एक टेस्ट होता है डायग्नोसिस टेस्ट, फिर उसको हम क्योर करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स निदान करना होता है, ठीक है, किसी क्योर को। फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, प्रोग्नोसिस। देखो ये वर्ड भी याद कर लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है और कई बार आ भी चुका है कई एग्जाम में, है ना। प्रोग्नोसिस फ्रेंड्स क्या होता है, देखो पी आर ओ जी एन ओ एस आई एस, राइटिंग का इशू रहता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है फिर भी। तो फ्रेंड्स जो हमारा वर्ड है प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है, देखिए हमारा जो वर्ड है प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा वर्ड है और ये बना है, ये बना है प्रो प्लस नॉक्सिस से। और फ्रेंड्स जानते हैं जो नॉक्सिस जो वर्ड है, नॉक्सिस जो वर्ड है इसका मतलब जानते हैं हम लोग क्या है, नो वन, और फिर आगे लग गया प्रो, जिसे हम पहले से जानते हैं उसे कहते हैं फ्रेंड्स प्रोग्नोसिस, ठीक है। और वी कैन से प्रेडिक्शन कह सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई खासकर जो समस्या है, जो बीमारी है, उसके बारे में पहले से बोल देना, उसे कहते हैं फ्रेंड्स प्रोग्नोसिस, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला वर्ड देखिए प्रोग्नोस्टिकेट है, जो इसका वर्ब है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आप कंफ्यूज ना हो, जो हमारा फोरकास्ट है, जो नॉर्मल हमारा फोरकास्ट होता है जिससे भविष्यवाणी होती है, बट रिगार्डिंग बीमारी ये होता है हमारा, इसे कहते हैं प्रोग्नोसिस, ठीक है क्लियर। और नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, मोनोथिज्म। और फ्रेंड्स जो मोनोथिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, मोनो से बना हुआ है और थीज जानते हैं हम लोग क्या होता है, गॉड। तो फ्रेंड्स जो एक गॉड की जो पूजा करता है उसे कहते हैं मोनोथिज्म, मोनोथिज्म, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे फ्रेंड्स, पॉलीथिज्म। आप जानते हैं पॉली होता है मैनी, है ना, पॉलीटेक्निक, है ना, बहुत सारे टेक्निक, है ना, जानते हैं आप लोग पॉली प्लस टेक्निक से बना हुआ पॉलीटेक्निक। ऐसे ही हमारा क्या है, पॉली मतलब पॉलस जो वर्ड हमारा क्या है, मैनी, और थियोज हो गया गॉड, जो बहुत सारे गॉड को चाहता है ना। जिसे इन इन मैनी रिलीजियंस मैं कमेंट नहीं करूँगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे देवी देवता होते हैं, है ना, हर जगह होते हैं, हर धर्म में होते हैं, है ना। पैंथिज्म फ्रेंड्स ये होता है सर्वेश्वर, मतलब सब कुछ आता है। पैन जानते हैं हम लोग, पी एन होता है ऑल पैन, और थियोज गॉड होता है। देखिए आप वर्ड को समझिए, आप रूट को समझ लीजिए, अगर रूट आ गया तो सारा वर्ड आ जाएंगे, इजी वर्ड हो जाएंगे आप आपके लिए। देखो पेन पी एन जैसे एक वर्ड है, पेंडो पेंडोमोनियम, है ना, पेंडोमोनियम पैराडाइज लॉस्ट में एक वर्ड आता है जिसमें डेविल्स रहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे बना हुआ पेन से बना हुआ, पेन होता है ऑल और डेमोनियस होता है डेमोन का, है ना। तो ऐसे हमारा ये वर्ड है पैंथिज्म, मतलब जो सभी गॉड को चाहते हैं, सभी भगवान को चाहते हैं, जो सारे जो गॉड हैं उनको फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए थियोलॉजी, और फिर बना हुआ है किससे, थियो प्लस लॉगस से। अब फिर जानते हैं आपने पहले लेक्चर में सेकंड में ये डिस्कस किया था वर्ड हमने लॉगस, इसलिए मैंने इसका मतलब लिखा नहीं है। थियो प्लस लॉगस मतलब जो गॉड के बारे में अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं हम लोग थियोलॉजी, और वी कैन से इन हिंदी धर्मशास्त्र, है ना। जैसे मान लो गीता हो गया, है ना, और हिंदूज का क्रिश्चन का हो गया बाइबल। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, लीचर। और फ्रेंड्स जो लीचर है उसका मतलब होता है, ये फ्रेंच वर्ड है फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे वर्ड लैटिन है हमारे, कुछ वर्ड फ्रेंच हैं, ग्रीक हैं, इटालियन भी हैं, फ्रेंच वर्ड है फ्रेंड्स। और लेचियर जो फ्रेंच में इसका मतलब होता है लिख करना, और फ्रेंड्स मैंने कहा था लिख करना किसी को अफेक्शनेटली, है ना और अट्रैक्टिवली उसे कहते हैं। और ये होता है लिबिडिनेस, यहाँ पर लिबिडो प्लीजर मतलब कि लस्ट्रस वॉन्टन, है ना, फिजिकल एक्शन जो लगता है उसे कहते हैं लेचर। और फ्रेंड्स इसी से बना हुआ है लेस्वियस, है ना, ये इसी का फ्रेंड्स एडजेक्टिव है ना। और लेस्वियस लेसिबिया या फिर कह लीजिए वॉन्टननेस, ये आपका नाउन है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अगला वर्ड देखिए लुब्रिशियस। और फ्रेंड्स लुब्रियस जो लुब्रिशियस मतलब क्या होता है, ये लुब्रिशस लुब्रिकस से बना हुआ है, जो लुब्रिकस जो हमारा वर्ड है रूट वर्ड है लुब्रिकस, इसका मतलब होता है स्लिपरी, है ना, जो स्लिप होता है, आप जानते हैं लुब्रिकेंट डालते हैं, है ना, उसमें बाइक में कुछ, है ना, स्नेक, इसे हिंदी में कहते हैं स्नेक। और लुब्रिकेट फ्रेंड्स इसका वर्ब है, किसका, लुब्रिशियस का, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा लाइसेंसियस, इजी वर्ड है, और बना कैसे, ये बना है लाइसर से, ठीक फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स लाइसर मीन्स होता है परमिट देना किसी को, मतलब किसी को एलो करना, ठीक है फ्रेंड्स।
लाइसेंस हो गया किसी को, और किसी को एलो करना, किसी को अनुमति देना। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, देखिए इलिसिड है, और इलिसिड फ्रेंड्स इजी वर्ड है ना, किसी को परमिट नहीं देना, किसी को मतलब अवॉइड करना है ना, किसी को मतलब कोई कह रहा कि हम ये कर ले, नहीं ये नहीं करना है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ल्यूड, और ये आपका क्या है, वाइल है ना, और लस्टफुल होता है प्लेजर, जानते हैं जी वर्ड हैं दोनों, ल्यूड और लस्टफुल है ना, तो लस्टफुल जानते हैं आप लोग, लस्ट्रियस, लेबिशियस और वॉन्टन, ये सारे ये आपका वर्ड लेचर से मतलब रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को स्टूडेंट्स को शेयर करें, और नोट जरूर कर लें फ्रेंड्स, इनको नोट करके आप रूट वर्ड को है ना अपने हिसाब से उसको बोल्ड कर लें समझने के लिए, और ये आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, इससे बहुत सारे वर्ड जो वर्ड हैं आपने अभी देखे नहीं, आप उन्हें भी कर दोगे, इससे गारंटी। ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।